गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट स्वॉप। आज अपन स्वॉप के बारे में पढ़ेंगे। स्वॉप क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन, इसकी इकोलॉजिकल कारण, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग के लिए अपन देखेंगे। स्वॉप क्या होता है, स्वॉप इज ए मेडिकल कंडीशन, इन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड सप्लाई। बॉडी के अंदर इन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी, मतलब एओर्टा से आर्टरी, आर्टरियोल से टिश्यू परफ्यूजन जो होता है। ब्लड जो टीनी ब्लड वेसल्स होती है उसमें तो टिश्यू है उसमें ब्लड की फ्लो पूरा नहीं हो पाता, जैसे डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होता है तो ब्लड का फ्लो पूरा नहीं होता, उससे अपन सॉक होता है। सॉक के अंदर अपन देखेंगे आज सॉक के कारण, क्लासिफिकेशन थ्री टाइप्स का होता है, हाइपोवोलेमिक सॉक, कार्डियोजेनिक सॉक और सेप्टिक सॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर पेशेंट कंडीशन के अंदर इसमें हेमरेज होगा पेशेंट को बर्न हो सकता है और डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट को, इसमें हाइपोवोलेमिक शॉक है। ठीक, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर अपन देखेंगे पेशेंट को क्या होगा। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर मेजर, इसके अंदर पेशेंट को हेल्थ रिलेटेड, मतलब मेजर टाइप है ये, इसके अंदर डिजीज मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज जैसे हार्ट फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा हार्ट प्रॉपर, जैसे हार्ट ब्लड फ्लो नहीं होगा, हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, इस वजह से जो हार्ट की सेल्स हैं वो डेथ होने लगेगी, उसको अपन कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। सेप्टिक शॉक है जो बैक्टीरिया रिलेटेड होगा। इसमें पेशेंट को बैक्टीरिया जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया इससे पेशेंट में ज़्यादा होगा, और जो ग्राम नेगेटिव है वो एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया की वजह से होगा, इसमें सेप्टिक शॉक होगा। अदर के अंदर अपन देखते हैं तो फ्रेमेटिक शॉक होता है। फ्रेमेटिक शॉक के अंदर पेशेंट को फ्रेमेटिक शॉक होगा अदर के अंदर, और न्यूरोजेनिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, मतलब हाइपोएड्रेनालिनिक शॉक होगा पेशेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर पेशेंट के अंदर अपने को क्लिनिकल फीचर, एटियोलॉजी के अंदर अपन इसमें मेडिकल आरबीसी पेशेंट का चेक करा सकते हैं, सीटीसी और कोई कंडीशन अगर डेवलप होती है तो अपने इसमें सीटी स्कैन और पेशेंट को करा सकते हैं। जो अपन अब मेन देखते हैं साइन एंड सिम्टम, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम क्या है पेशेंट के अंदर। साइन एंड सिम्टम के अंदर पेशेंट के अंदर अपने को ओलिगुरिया दिखेगा, पेशेंट के अंदर ओलिगुरिया दिखेगा, पेशेंट को यूरिन कम आएगा। पेशेंट को यूरिन कम क्यों आएगा, क्योंकि इसमें इंट्रावेस्कुलर जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तो पेशेंट को अधिक यूरिया होगा। नेक्स्ट अपन इसमें हाइपोटेंशन होगा पेशेंट को, हाइपोटेंशन हो जाएगा, जो कार्डियक आउटपुट है जो मतलब काम नहीं कर रहा पूरी तरीके से वो लो हो गया, इसलिए पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा। जो बीपी है वो पेशेंट का कम होगा। नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, पेशेंट को टैकीकार्डिया इसलिए होगा क्योंकि पेशेंट का जो कार्डिक आउटपुट है स्ट्रोक वॉल्यूम वो कम है, पेशेंट को बॉडी को कंपनसेट करना पड़ रहा है, इसलिए पेशेंट को हाइपर टैकीकार्डिया होगा। जो पेशेंट की पल्स है वो 120 टू पर मिनट से ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे पेशेंट को रेस्पिरेशन कम होगा पेशेंट का, रेस्पिरेशन कम इसलिए होगा क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, तो जो फ्लो है ब्लड का वो कम है, इसलिए पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो पेशेंट कूल एंड कामी हो जाएगा। पेशेंट कूल एंड कामी हो जाएगा, जिसमें पेशेंट कूल होगा तो पेशेंट को जैसे उसमें ब्लड का फ्लो नहीं है तो अपना पेशेंट ठंडा रहेगा, और क्लेमिंग भी हो जाएगा क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन, पेशेंट को डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी तो पेशेंट कम डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट को, इससे इसकी कमी हो जाएगी। फिर अपन देखते हैं थर्स्ट लगेगी पेशेंट को, थर्स्ट पेशेंट को वीकनेस लगेगी ज़्यादा, इसमें इंटरनल मोबिलिटी कम हो जाएगी पेशेंट का, क्या कहते हैं पेशेंट को अपने कंफ्यूजन होगा, ड्राउनीनेस आएगी पेशेंट को, अल्टर मेंटल स्टेटस हो जाएगा पेशेंट का, जो मेंटल पावर है वो पेशेंट की कम हो जाएगी, इसलिए मेंटल कंडीशन मतलब पेशेंट को सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे इसमें अपन डायग्नोस्टिक अपन ये देखें इसके साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अपन फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे पेशेंट का, सीटीसी करा सकते हैं पेशेंट की, इसमें ईसीजी करा सकते हैं,
और एपीजी एनालिसिस में पेशेंट को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है पेशेंट का। इसमें अपन इलेक्ट्रोलाइट भी चेक करा सकते हैं, जो सीवीएस प्रेशर है वो अपने मेजर करेंगे, जैसे इसमें कार्डिक आउटपुट पेशेंट का कार्डिक आउटपुट जैसे सीवीएस और इंफीरियर वेना का और सुपीरियर वेना का प्रेशर कम है तो वो बहुत है। इसमें अपन आप देखेंगे पेशेंट के अंदर कि पेशेंट की अपन ने देखा हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होता है जिससे पेशेंट की जो बॉडी की नीड मतलब जो सप्लाई है वो कम हो जाती है, कार्डिक आउटपुट लो हो जाता है पेशेंट का और पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाता है। और शॉक की भी अलग अलग कंडीशन हाइपोवोलेमिक है, कार्डियोजेनिक शॉक है और जैसे पेशेंट और इसमें सेप्टिक शॉक में चला गया पेशेंट तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक है इसमें हेमरेज कंडीशन चला जाए पेशेंट बर्न है और डिहाइड्रेशन हो सकता है अगर, और कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर पेशेंट कार्डियक शॉक के अंदर पेशेंट की जो सप्लाई है कार्डियक और जो अपने ऑर्गन है वाइटल ऑर्गन है जैसे हार्ट है ब्रेन है अगर वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो पेशेंट की जो सप्लाई मतलब सेल की है वो डेथ हो सकती है। फिर अपन ने उसके क्लिनिकल फीचर देखे, फिर अपन ने उसके साइन एंड सिम्टम देखे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखे, अब उसमें अपन मेडिकल मैनेजमेंट देखे। जो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो पेशेंट है शॉक का पेशेंट है अगर उसका बीपी उसमें पेशेंट का बीपी अगर 80 एम एम ऑफ एच जी से नीचे चला जाता है ठीक है, फिर अपन उसको उसके जो पेशेंट है उसको फ्लूड दे के इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो पेशेंट है उसको 24 आवर्स के अंदर मेडिकल इमरजेंसी जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है उसको पेशेंट को उसमें कंडीशन डेवलप हो जाती है। फिर अपन इसके अंदर देखेंगे इसमें मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट अगर सिम्टम अगर वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को या पेशेंट को डायरिया हो रहा है या पेशेंट को अपने ब्लड की जरूरत है तो उसको अपन ट्रीटमेंट करेंगे। ब्लड रिप्लेसमेंट के अंदर अपन प्लाज्मा एक्सपेंडेशन दे सकते हैं पेशेंट को, तो उसके प्लाज्मा उसके इंट्रा जो वेस्कुलर है उसको बढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट के अपन पेशेंट को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूड देंगे, कोलाइड दे सकते हैं, नॉर्मल स्लाइन दे सकते हैं, आधे लीटर उसको फ्लूड का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कोलाइड दे सकते हैं। फिर अपन उसमें फार्माकोलॉजिकल उनको सेंट्राक्विन एक्शन ये मेडिकेशन है ये देख के पेशेंट को इसका जो एक्शन है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में जो ब्लड है वो उस ऑर्गन में फैल जाके और उसको इम्प्रूव कर सकता है ये अपन उसको पेशेंट को देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट का फ्लूड वॉल्यूम चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट पेशेंट को और ब्लड प्रेशर पेशेंट का चेक करेंगे, इस कंडीशन से अपन इम्प्रूव कर सकते हैं ठीक है। ये अपन ने शॉक पड़ा।